नमस्कार दोस्तों, सीजी पकवान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ फ्रेंड्स ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक जो हमारे घर के कामों को तो आसान बनाती है, साथ में हमारे घर के ढेर सारे पैसे बचाती है। तो चलिए फिर वीडियो को देख लेते हैं। तो मेरा पहला किचन टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके से बर्तन जब धोते हैं, बर्तन वगैरह साफ करते हैं सिंक में, तो बर्तन तो धुल जाता है, साथ में यहाँ पे हमारा काम बढ़ जाता है। दो साइड में ढेर सारा पानी इस तरीके से छिटक कर जमा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हाथ से इसे झड़ाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम कर लेना है। यहाँ पे पुराना सा कंघी जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं उस कंघी का इस्तेमाल कर लेंगे और इसे हमें मोजे के अंदर डाल देंगे। कोई सा पुराना सा मोजा ले सकते हैं। अब इसके बाद इस तरीके से पानी को झड़ाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पानी अच्छे से झड़ जाता है और थोड़ा बहुत बच जाता है, वही मोजा सूख लेता है। तो हमारा जो ये जगह है ना सूख जाता है जल्दी से। अगले टिप्स में इस तरह से दूध वगैरह है जब बच्चे बच्चे गिरा देते हैं या फिर गलती से भी उखन कर भी बाहर निकल जाता है, तो इस तरह के कपड़े वगैरह में हम जब हम इसे पोंछते हैं तो ये फैल जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से कोई सा भी मोजा को पुराना सा मोजा है हाथ में पहन लेना है। इस तरीके से देखिए दूध को कितने अच्छे से आप साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी से साफ़ हो गया है, मोजा पूरा सोख लेता है ये। तो इस तरीके से आप इसे क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं पुराने मोजे का। थोड़ा सा पानी डाल के फिर से साफ़ कर लेंगे, ये दूध में दूध है तो फिर चींटी वगैरह मक्खी वगैरह आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इस तरीके से फ्रेंड गैस चूल्हे के ऊपर में इस तरीके से दाल वगैरह सब्जी वगैरह की जो गिर जाता है तो हमें इसकी सफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमने कुछ भी इसमें डिटर्जेंट वगैरह साबुन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ मोजे को थोड़ा सा गीला किए हैं। और इसके बाद में देख सकते हैं कितने आसानी से ये जो भी जो खाने पीने की चीज़ें जो चिपके ना दाल वगैरह के, वो आसानी से निकल रहा है। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। जो भी गंदगी ना मोजे के अंदर आ गई है, इस तरीके से हम इसे सफाई वगैरह में यूज़ कर लेंगे और इसे फिर से धोकर इसे सुखा लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर टिप पसंद आई हो फ्रेंड तो लाइक करिएगा, चैनल में बने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी गैस चूल्हा साफ़ हो गई है। चलिए फ्रेंड्स अब अगला टिप देखते हैं। अगली टिप में फिर से हमने सफाई के लिए यूज़ करें फ्रेंड। यहाँ पर हमने फिर से हाथ में मोजा पहन लिए हैं, इस तरीके से इसको मैंने साफ करके लिया है। अब इसके बाद गीले मोजे से हमें इस तरीके से मिक्सी वगैरह को समय समय पर साफ़ करते रहेंगे ना, तो हमें बिल्कुल भी इसे ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से भी हाथ लगा देंगे तो भी हमारा जो धूल वगैरह जो बैठा रहता है ना मिक्सी में, वो आसानी से निकल जाता है। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, जो भी धूल वगैरह चिपका था वो आसानी से निकल गया है। तो ये मोजा ना क्लीनिंग में बहुत अच्छे से काम आता है। तो इस तरीके से आप पुराने मोजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमारी मिक्सी भी कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला टिप देखते हैं। तो हमारी अगली टिप्स होने वाला है फ्रेंड्स इस तरीके से लौकी के छिलके को लेकर। लौकी के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इसके छिलके भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और वैसे तो लौकी के छिलके के ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, औषधि गुणों से भरपूर होता है। तो आज हम इस लौकी का छिलके का अपने स्किन के लिए करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे कैसे यूज़ करना है देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने यहाँ पे छोटा सा खलबत्ता लिया है, इस खलबत्ते के अंदर इसको छिलके को डाल देंगे। अब इसके बाद को हम इसके बाद हम इसे अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर इसे छिलके को सुखा कर इसका पाउडर बना के रख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे यहाँ पर दरदरा सा ही कुटाया है। चलिए इसे हम इसे से ही काम चला लेते हैं अभी। और इसमें ना छोटा सा है तो अच्छे से नहीं कुटाया है। तब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा इसमें कोलगेट इस तरीके से। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद में फ्रेंड्स इसका यूज हम अपने हाथ पैरों में चेहरे में लगा सकते हैं, जिससे कि जब भी बाहर निकलते हैं काम वगैरह में तो हमारे हाथ पैर काले पड़ जाते हैं फ्रेंड, दाग धब्बे झुर्रियाँ हैं ये सारे सब चीज़ें आ जाती है। तो इसे आप घर बैठे इसे दूर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हाथ पैर में चेहरे में लगा सकते हैं। देखेंगे धीरे धीरे आप इसे हफ्ते में दो बार लगाएंगे तो आप चेहरे के दाग धब्बे हैं ना धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस
इसको अच्छे से लगाए या फिर चेहरे में लगा रहे हैं तो इसे लगा के छोड़ सकते हैं इसके लेप को। और मैं इसे हाथ में इस तरीके से इसे मसाज कर लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट हम अच्छे से इसमें मसाज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे धीरे धीरे से देखेंगे ना कि जो हमारे काले पड़ गए हैं हाथ पे, और इससे कि लौकी के छिलके से बहुत ही अच्छे से ताजगी से महसूस होने लगती है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे मैं धोकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने धो लिए हाथ को, देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला टिप देखते हैं। अगले टिप से मैं फ्रेंड्स इस तरीके से चापर को लेकर है। चापर तो हम सबको यूज़ करते हैं, पर ये क्या होता है ना, धीरे धीरे इसकी जो धार है ना कम हो जाती है, पहले जैसा नए जैसा नहीं चलता है, कम हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा काम कर लेना है फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी जो चापर है ना बिल्कुल नए जैसे बन जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नमक हम यूज़ करते हैं खाने में वही नमक लेना है। अब इसमें हम 4-5 चम्मच के करीब नमक इस तरीके से डाल देंगे चापर में। अब डालने के बाद ढक्कन बंद कर देंगे, और जैसे हमें जो प्याज वगैरह जो चापर में पीसते हैं ना वैसे ही हमें इसे चला लेना है। इसी तरीके से 6-7 बार करके इसे चला लेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि हमारे ब्लेड ना बिल्कुल नए जैसे चलने लगेगी, इसमें अच्छे से धार आ जाएगी। और इससे एक और फ़ायदा है फ्रेंड, जैसे कि मसाले वगैरह पीसते हैं ना तो स्मेल रह जाता है लहसुन प्याज का, तो ये भी नमक मिर्च सोख लेगा, ये दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समय समय पे करेंगे तो आपकी चापर बिल्कुल नए जैसे चलती रहेगी। और काम जैसे भी हम चापर यूज़ करते हैं फ्रेंड, और काम जैसे ही ख़त्म होता है हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, तो इसे ऐसे बिल्कुल भी मत रखिए। इसके अंदर हम इस तरीके से पेपर के टुकड़े डाल देंगे, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत नमी रहेगा ना वो पेपर सोख लेगा, और जैसे प्याज वगैरह लहसुन वगैरह का जो स्मेल रहेगा ना वो भी पेपर सोख लेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर पेपर डाल के ज़रूर रख लीजिएगा, तो इसकी जो भी प्याज वगैरह है उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। टिप पसंद आई हो फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अगले टिप्स में फ्रेंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो इसके लिए मैंने तेल गर्म किया है पहले से, और इसमें मैंने डाल दिया जीरा, हरी मिर्ची, प्याज और थोड़ा सा डाल दिया कसूरी मेथी। इसको अच्छे से हमने भून लेंगे। अब इसमें फ्रेंड यहाँ पर मैं लौकी की नाश्ता बना रही हूँ। तो लौकी को मैंने कद्दूकस करके इसको पानी निकाल लिया है हल्का सा। अब इसके बाद हम इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे लौकी को। अब बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनता है फ्रेंड्स, या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है लौकी। खासकर बहुत ही कम लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये नाश्ता इस तरीके से बना लेंगे ना तो हर कोई इसे खाना पसंद करेगा। हल्दी मिर्ची पाउडर हम इसमें जो भी मसाला आप खाते हैं वो डाल सकते हैं, गरम मसाला भी हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मसालों को मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे फ्रेंड चावल का आटा, छोटा सा कटोरी है इसमें चावल का आटा डाल दिए हैं। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूजी, 1-2 चम्मच के करीब सूजी डाल देंगे, और गैस को हमने कर लिया है बंद। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसके 5-10 मिनट के लिए इसे ढककर ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तो हमने ढक्कन लगा के इसे छोड़ दिया। चलिए अब दूसरे बर्तन में इसे पलट लेते हैं इस तरीके से। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया है हमने, अगर थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत पड़े तो इसे छीटा लगा के इसे आटा तैयार कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा गर्म है तो मैं चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ। अब इसके बाद इसको हम हाथों से मसलते हुए इसका आटा तैयार कर लेंगे। इस तरीके से डो बन गया है हमारा। अब इसे हम छोटे छोटे से लोइयाँ बना लेंगे। तो इसके हम इस तरीके से छोटे छोटे से इसके बॉल बना लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे बॉल को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड बॉल को हमने बना लिया है इस तरीके से। अब हम इसे अप्पे मेकर में बनाने वाले हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से इसमें डाल देंगे, और इसको अलट पलट के बढ़िया से दोनों तरफ को अच्छे से हमें सेक लेना है। इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। तो देखिए कितना हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो गया फ्रेंड्स। इसे टिफिन में नाश्ते में जब भी खाने का मन करे खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, कम तेल का बनाया नाश्ता है, हल्की फुल्का।
चलिए हमारी नाश्ता बन के रेडी हो गई है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो में आने के लिए।